हेलो माइंड क्लब लवर्स, सो क्या हाल है सबके? सब बढ़िया ना? एंड स्वागत है आप लोगों का अनदर मॉड डाउनलोड वीडियो। बट इस वीडियो पे मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कैसे आप लोग हार्डकोर मॉड को खेल पाओगे, एंड सेकेंड इसमें अगर आपको हार्डकोर में सर्वाइव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है। वही आई नो बहुत सारे प्रो बंदे देखते हैं मुझे, बट फिर भी मैं बताऊँगा और एंड पे आप लोगों को इस हार्डकोर मॉड की प्रूफ भी दे दूंगा। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक वर्ल्ड बनाना है हार्डकोर की। सो ये मेरे वर्ल्ड बन रहा है और यहाँ पे आपको सो कोऑर्डिनेट ऑन रखना है और यहाँ पे फायर स्प्रेड और TNT एक्सप्लोर ये ऑफ रख सकते हो, इससे लैग कम हो सकता है। और एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले में जितने भी ऑप्शन है सबको एक्टिव कर देना है। अगर आप में केप एंड क्लिप्स वाले ऑप्शन है तो उसको एक्टिव मत करना, उससे लैग बहुत ज़्यादा होगा। एक्टिव चिप्स इसे भी ऑन करना है, एडुकेशनल एडिशन इसको भी ऑन करना है, एंड यहाँ पे नीचे जो वेदर सर्कल है इसको ऑफ कर देना है। सो इससे लैग भी कम होगा, बारिश से कोई अच्छा खासा इफेक्ट नहीं देता, लो एंड डिवाइस के लिए यही सही होगा। और रैंडम टेक्स स्पीड आपको ये 3 कर सकते हो, अगर जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना है तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। और यहाँ पे आपको हार्डकोर मोड वाले एडन को एक्टिव करना है और ये जो क्रैश ब्लॉक वाले लोगो है ये डे काउंटर है, डुप्लीकेट है बट फिर भी ये मेरे में काम करता है, ओरिजिनल नहीं। और जो भी मॉड पैक आप खेल रहे हो उसमें आपको हार्डकोर वाले मॉड को हमेशा टॉप पे रखना होगा, चाहे जो भी मॉड पैक हो आपको बस हार्डकोर मॉड को टॉप पे रखना है तभी ये काम करेगा। अगर आप मिडिल पे या पे नीचे रखोगे तो नहीं होगा। और ये मैं स्पॉन हो चुका हूँ एक आइलैंड पे। व्हाट द हैक, मेरा तो मन नहीं है ओशन ओनली या फिर सर्वाइवल आइलैंड दिखाने के लिए यहाँ पर। एक्चुअली ये तो गेमिंग चैनल नहीं है बट ठीक है, अगर किसी को ओशन ओनली या फिर सर्वाइवल आइलैंड खेलना है नॉर्मली तो आप इसे खेल सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हो एक्सीडेंटली ये मुझे मिल चुका है तो इसकी सीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो ये है अपना वर्ल्ड की सेटिंग एंड ये देख सकते हो सीट। सो जिन्हें इस सीट में खेलना है चैलेंजिंग सो खेल सकते हो। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ मैं बता देता हूँ, इस मॉड पे हम लोग डिफ़िकल्टी को चेंज नहीं कर सकते, पर्सनल गेम मोड को भी एंड हाँ डिफ़िकल्टी तो बोल ही चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट गेम मोड पर्सनल गेम मोड एंड डिफ़िकल्टी गेम मोड हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और ये मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड इस वर्ल्ड पे सही स्पॉन मिल चुका है अपने को। अब बस अपने को मटेरियल कलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड कलेक्ट करो और यहाँ पे घर मत बनाना फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे टूल्स अपग्रेड करने की टाइम आ चुका है, मेरे सामने कोल है सो मैं यहाँ पे कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। बस छोटा सा गेम प्ले है, मैं आप लोगों को बस दिखा देता हूँ कैसे सर्वाइव करना स्टार्टिंग पे, कभी भी गलती से भी बेस बनाने से स्टार्ट मत करना। और अब आ चुका है अपने टूल अपग्रेड, अगर आपको बेस बनाना है तो अंडरग्राउंड बनाना है या फिर पानी के बीच में या फिर ट्री हाउस टाइप, तो ये सबसे बेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे सेप है तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल बेड चाहिए तो बेड के लिए इंतजाम करते हैं। ये दूसरा सेप है, अगर आप ग्रीन लैंड पे ऐसे खड़े रहोगे जहाँ पे ग्रास है तो वहाँ पे मॉब स्पॉन होते रहेंगे। ये देखो थोड़ी सी दूर जाना है आप लोगों को, बस वहाँ पे मॉब स्पॉन हो जाएगा, ये बेस्ट चीज़ है। और ये जो होते हैं ना जंप एंड हिट, ये सबसे बेकार चीज़ है अगर आपके पास अच्छे खासे हैबिट हो, बाकी आप स्पैम क्लिक कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। देखो यहाँ पे ओके थोड़ा सा लैगी हो गया, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग स्पैम क्लिक करेंगे तो जल्दी मॉब्स को मार पाएंगे, ये देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं सबसे हर बार स्पैम क्लिक को ही प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे एक केप है, अब अपने को आयरन की फुल आर्मर बनाना है और जो केप ढूंढोगे वो हमेशा याद रखना कि उसके आयरन वायरन सब बाहर ही हो। तो यहाँ पे लगा देता हूँ फर्नेस और यहाँ पे खाना कुक करने के लिए है और यहाँ आगे अपने पास बेड, जैसे ही रात होगा मैं सो जाऊँगा। और थोड़े बहुत मटेरियल यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो आयरन मिल चुका है, केप हमेशा ज़्यादा डीप वाले केप पे मत जाना, हमेशा ऊपर वाले ऊपर जो केप होते हैं जिनमें हमें आयरन दिख जाते हैं उन वाले केप से ले लेना, डिप वाले केप पे माइनिंग करना सबसे बेस्ट आइडिया है। और जब भी आपको आयरन मिले तो शील्ड बना लेना, शील्ड काफ़ी काम की चीज़ है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे आयरन मिल चुके हैं और ये देखो स्केलेटन, अब अपना शील्ड बहुत काम आने वाला है, बिना शील्ड के मर जाओगे और बिना आर्मर के तो और भी ज़्यादा मरोगे। और फ्री स्टाफ मिल चुका है एंड आई थिंक रात हो रहा है, हाँ लाइट चेंज हो चुका है, रात ही है। सो ये सो जाते हैं, अब इसे दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब डे टाइम हो चुका है और यहाँ पे डे काउंटर में डे 1 दिख रहा है। अगर आप ऐसे जगह में फंस जाओ कि आप मरने वाले हो तो आप भाग लेना, और हमेशा भाग लेना सर्कल पे, मतलब एक सर्कल वाले एंगल बना के भागना ताकि मॉब्स आपके पीछे आ ना सके, थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर इधर उधर मुड़ने में उन्हें टाइम लग जाए।
और ये देखो फिर से कीपर, और ये रहा सील की फ़ायदा। और माइनक्राफ्ट में जब भी खेलो अपनी जो वॉल्यूम है उसे हमेशा फुल पे रखना ताकि आपको मॉब्स की साउंड सुनने को मिल जाए। और अपने पास बहुत सारे आयरन आ चुका है, सो अब हम लोग आयरन के आर्मर बना सकते हैं। एंड सो अपना आयरन के आर्मर कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट, ये था छोटा सा एक ट्यूटोरियल। अब आप लोग आसानी से खेल सकोगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मॉडेड पे तो मुझे बता सकते हो। और अगर आप न्यू हो तो मॉडेड वाली चीज़ें जानने चाहते हो 100 डेज के लिए, सो आप मेरे 100 डेज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मॉड्स और सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जाने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, इस मॉड की कैसे काम होता है। ये मॉड पूरी तरह से वर्किंग है 1.17 वो 11 तक मैंने टेस्ट किया है, 3.0 पे मैं बोल नहीं सकता, आप लोग खुद से टेस्ट करके बोल देना। सो लेट्स जंप एंड सी द प्रूफ। जूता उतार लो, तो बाय बाय, सी यू सायनारा।